बिहार में रमजान के मौके पर नीतीश सरकार ने मुस्लिम कर्मियों को ऑफिस आने जाने में एक घंटे की छूट देने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने मांग की है कि रमजान में मुस्लिमों की तरह नवरात्र में हिंदुओं को भी छूट मिलनी चाहिए। हंगामे की गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया, लेकिन नीतीश सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। वहीं आज भी विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। बिहार विधानसभा में फिर हंगामा है। रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को ड्यूटी में छूट देने वाली नीतीश सरकार नवरात्र में हिंदुओं को भी छुट्टी देने के मुद्दे पर मौन हो गई है। अब इसी मुद्दे पर बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है। इससे पहले सोमवार को बिहार विधानसभा में अपनी मांग रखते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 22 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और अध्यक्ष महोदय, आज जो मुस्लिम कर्मचारियों के लिए 1 घंटे का रिलीफ दिया गया, तो जो नवरात्रा करता है उसके लिए भी बैठे हैं उप मुख्यमंत्री, उसको भी रिलीफ दिया जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की मांग है कि रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों की तरह नवरात्र में भी हिंदू कर्मचारियों को सुविधा दी जाए। विजय सिन्हा जब विधानसभा में अपनी मांग रख रहे थे, उस वक्त सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। अब सरकार के उस फैसले को समझते हैं जिस पर इतना बवाल हो रहा है। बिहार सरकार ने रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष सुविधा दी है। रमजान के दौरान ड्यूटी पर 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की छूट है। बीजेपी ने यही छूट नवरात्र के दौरान हिंदुओं को देने की मांग की। नवरात्र में हिंदू कर्मचारियों को छुट्टी देने के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार भले ही खामोश हों, लेकिन रमजान में मुस्लिमों पर हुई मेहरबानी पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी खूब चुटकी ले रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद फिर आऊंगा। इन्होंने शेर जब जख्मी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक होता है, और जब गीदड़ जख्मी हो जाता है तो दुम अपने पैरों में रख के अपने आका के पास जाकर मुंडी झुका देता है, सर झुका। अब इंशाअल्लाह ताला बिहार में ये भड़काऊ भयजान जाएगा। सरकार का ये फैसला वोट बैंक के चश्मे से देखकर लिया गया फैसला दिखता है, क्योंकि RJD का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोटर ही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिसके भरोसे पर अब तक लालू से लेकर तेजस्वी यादव तक अपनी सियासत चमकाते आ रहे हैं, लेकिन सोमवार को तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कुछ ऐसा कह दिया जो शायद लालू और RJD के बयान बहादुर नेताओं के गले न उतरे। हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके लड़े। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है, तो इसलिए काम करने से मतलब है। जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। तेजस्वी ने फिलहाल CM पद पर अपनी दावेदारी छोड़ दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के अंडर में ही काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी साफ कर दिया कि 2024 में नीतीश कुमार PM पद की रेस में भी नहीं है। यानी भतीजे ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।